तो लाल टिब्बा और चार दुकान से वापस आ गए हम लोग, और अब नाउ वी आर एट द मॉल रोड एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स चिक चॉकलेट. नाउ देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट. अराउंड 6 years अगो आई केम ऑन अ स्कूल ट्रिप टू मसूरी विद श्लोक ओनली, और मैं, श्लोक और एक और दोस्त, हम लोग ने पूरे 2 घंटे वेस्ट किए, क्योंकि उस टाइम हमारे पास फ़ोन पे गूगल मैप्स से हम नहीं यूज़ कर रहे थे या क्या, हमें चिक चॉकलेट मिला ही नहीं. तो 6 साल से चिक चॉकलेट का नाम तो याद है पर आज तक नहीं देखा है, पर इस ट्रिप पे देख के जाएंगे चिक चॉकलेट. डन विद चिक चॉकलेट एज वेल. और अब भाई, अब तो होटल चल रहे हैं ना, नहीं जूते खरीदे. सो फाइनली 12 बजे निकले थे हम लोग और अभी बज रहा है 8 o'clock और हम आ गए हैं वापस अपने रिजॉर्ट स्टर्लिंग. तो फाइनली हम लोग रूम में भी आ गए, फ्रेशन अप हो गए, फोन चार्ज कर लिया, सब कर लिया, पर ना कभी तक लाल है क्योंकि ठंड है, पर रूम में सही है थोड़ा, इतना नहीं है पर ठंड तो है. तो जस्ट नाउ व्हेन वी वर डन विद आवर डिनर, हमने सोचा कि क्यों ना एक बार बालकनी में बैठे, थोड़ा मतलब गाने वाने सुने, वाइब ले थोड़ी. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू day 3 ऑफ मसूरी ट्रिप. और अभी बज रहा है 9:54 और हमारा 10 बजे ब्रेकफास्ट बंद हो जाता है, इसलिए हमें दौड़ना पड़ेगा, जो हम दौड़ने तो वाले हैं नहीं, बट मिल जाना चाहिए हमें ब्रेकफास्ट, इतना भी वो नहीं होना चाहिए. आज का स्केड्यूल ऐसा है कि हम लोग गन हिल जाएंगे और गन हिल के बाद अराउंड वी एम टू लीव फॉर जॉर्ज एवरेस्ट पीक एट अराउंड 3 PM so that we reach there by sunset. हमने ली थी स्कूटी, that was 300 for around 8 hours और होल डे, राइट? तो होल डे 300 रुपये में हमें पड़ी वो स्कूटी, और फिर हमने उसमें फ्यूल अपने हिसाब से भरवाया और उसमें हम लोग पहले गए कैम्प्टी फॉल्स. कैम्प्टी फॉल्स इज इन वन कॉर्नर. फिर वहाँ से गए हम लोग चार दुकान, एंड चार दुकान से भी आगे लाल टिब्बा विच इज़ इन अनदर कॉर्नर. तो बॉटम लाइन, instead of wasting your money on taxis, rent a bike or a car and go wherever you want, whenever you want. तो नहा धो के अच्छे बच्चे बन के हम लोग अब जा रहे हैं गन हिल, जो कि हमें मॉल रोड जाना पड़ेगा पहले यहाँ से, और फिर वहाँ से रोप वे लेनी पड़ेगी और फिर वहाँ से जाएंगे हम लोग गन हिल. So we are here at Gun Hill. So turns out Gun Hill was a disappointment, so we are heading back to Mall Road. It's been only 5 minutes we've been here, but ab ja rahe hum log wapas Mall Road kyunki yahan pe sirf khane ki dukane aur kuch nahi hai. Ab Abhinav ne ek jagah dekhi thi internet pe Cloud End karke yahan pe Masuri mein, to wahan jayenge. Bhai kahan aa gaye hum log, kya pata. Are bhai, वी क्रॉस्ड क्लाउड एंड और हमें पता चला कि एक एडवेंचर स्पोर्ट्स कराते हैं यहाँ पे विस्लिंग वुड्स के नाम से, तो हम वहाँ आ गए और मतलब अभी ऑन द वे ही हैं उसके मतलब वहाँ जाने में, और हमें ये एक स्पॉट मिला बहुत ज़्यादा मस्त. So here we are finally Whistling Woods. बहुत मेहनत करनी पड़ी हम लोग को आने के लिए, इससे भी ज़्यादा मेहनत है जाने के लिए, क्योंकि अब हमें चढ़ाई करनी होगी. तो ये था Whistling Woods, इसमें ATV राइड कर सकते हैं और फ्री फॉल भी कर सकते हैं, फ्रॉम 60 फीट का लेवल है तो उतने से फ्री फॉल कर सकते हैं. और हम आए तो थे कि करेंगे, बट वी डिडंट हैव मच इंटरेस्ट बिकॉज आर एक्सपेक्टेशंस वर हायर देन व्हाट वी सॉ हियर. सो नाउ वी आर एट द मैगी पॉइंट, और अभी यहाँ से हमें जाना है जल्दी से मैगी खा के
अपने होटल, वहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज वेंज करना, देन वील हेड टूवर्ड्स जॉर्ज एवरेस्ट। अच्छा, अब व्हाट आई विल रिकमेंड इज अगर आप मसूरी आओ तो डेफिनेटली विजिट क्लाउड एंड, मतलब जो एरिया है, क्योंकि ये जो रोड है, जो ट्रैक है, मतलब ट्रैक नहीं है, पूरा रोड है, जिसमें आपको अगर आप अपने दोस्तों के साथ आ रहे हो तो यू हैव अ नाइस टाइम, मतलब मज़ा आई हमें तो। हमने तो किया भी नहीं, हम आए थे क्लाउड एंड, फिर क्लाउड एंड से हम और एकदम नीचे तक, एकदम ख़राब रोड से हम गए विस्लिंग वुड्स, बट विस्लिंग वुड्स वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट अगेन। पर ये जो हमारा काइंड ऑफ मिनी ट्रिप थी फ्रॉम मसूरी टू क्लाउड्स एंड, वो अच्छी थी काफ़ी, सो इट्स डेफिनेटली रिकमेंडेड। टेक योर स्कूटी और बाइक। हाँ जी, तो नाउ इट्स 4:30 राइट नाउ एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स जॉर्ज एवरेस्ट, और होपफुली हम लोग सनसेट कैप्चर कर लेंगे जैसे हमने कल किया था। पर कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ, क्योंकि कल हो चुका है, फोटोज खिंचेंगे वहाँ पे। ऐसे पकड़ा ले लिया, क्या ये रख लो बोल रहा भाई पर्स में नहीं आएगा ये हमारा पर्स है, बैगवती। पर भाई पर्स बहुत हैंडी आया यार, जो भी बोलो भाई, पर्स हाथ में लटका के फोटो खींच रहा है, बोला खींचो बैग को, पर्स बना दिया, लौंडे को औरत बना दी, पता नहीं क्या हो गया। सो वी आर एट दी एंट्रेंस ऑफ जॉर्ज एवरेस्ट। अब यहाँ से हमें अराउंड 1.8 to 2 किलोमीटर्स पैदल चलना पड़ेगा, राइट? और हम सनसेट देखो कैप्चर करने की पूरी कोशिश में है, पर ऐसा मुश्किल लग रहा है मेरे को कि नहीं हो पाएगा। हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि हम लोग एकदम उसी पॉइंट पे जाएं जब सनसेट हो रहा हो और हम पहुँच जाएँ। So it's been 10 minutes since we're walking. हालत खराब हो गई, इनको देखो, इनको देखो। So we found another route, कच्चा रास्ता है directly to the peak of जॉर्ज एवरेस्ट, और हम लोग अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्जन लेते हुए इस कच्चे रास्ते के थ्रू जाएंगे पीक पे। हम लोग अभी भी टॉप पे नहीं आए, बट अब व्यू बहुत सेक्सी होने लगा है। Now this is the most difficult part because ये पूरा steep है। And this, my friends, is the view from the top. Turns out और भी रास्ता है, और हम अब एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि हम जा रहे हैं वहाँ भी और ऊपर, बट इट फील्स लाइक, मतलब आप खुद ही देखो। इट टुक अस 45 टू 50 मिनट्स टू रीच दिस पॉइंट, और हमने सोचा अब यहीं बैठ के सनसेट इन्जॉय करेंगे हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, और उसके बाद वील हेड बैक, वेयर द व्यू हियर इज जस्ट प्राइसलेस। मतलब जितनी मेहनत की थी हमने ऊपर आने में, इट वॉज ऑल वर्थ इट।
सो दैट वॉज द सनसेट और अब हम वापस से भगवान का नाम लेके चालू हो गए हैं, नीचे जा रहे हैं। नीचे जाने में एक तो आसान चीज़ है कि डाउन हिल है तो थोड़ी मेहनत कम लगेगी, पर बहुत संभाल के चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया। ब्रो हमें इससे नीचे जाना है पूरा। सुनो एक हाथ रख के ये साइड साइड से आ जाना रॉक वाले से। अभी अभी हम लोग नीचे आ गए जिस पॉइंट से हमने स्कूटी छोड़ी थी अपनी और ट्रैक स्टार्ट किया था। सो बेस्ट पार्ट ये था कि हम जिस रास्ते से ऊपर गए थे उस रास्ते से नीचे नहीं आए थे। नीचे एक बहुत ही ज़्यादा स्टीप स्लोप थी, मतलब ऑलमोस्ट हिल के टॉप से बॉटम तक एक ही ऊपर ऊबड़ खाबड़ जो आपने वीडियो में देखा वैसा ही रास्ता था। तो बहुत मज़ा आया और डू कम हेयर, इट्स वर्थ इट। एंड सो वी आर फाइनली बैक इन आर होटल। वी वेंट टू द मॉल रोड टू गेट आर डिनर एंड देन bought some water bottles and now officially the trip is ending. बुरा भी लग रहा है पर मज़ा भी बहुत आई। Anyways, अब कल सुबह हम लोग निकलेंगे देहरादून के लिए एंड देन देहरादून टू कानपुर एंड सी यू इन कानपुर।